कितने लोगों का कहना था कि हम सिलेबस जल्दी कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, चलो फटाफट से सिलेबस कंप्लीट करते हैं, नया चैप्टर पढ़ेंगे दिस सरमन एट बनारस। अरे भैया मैं तो भूल ही गया, इसके राइटर का नाम क्या है, थोड़ा याद दिलाओगे? अभी किताब देखने मन नहीं कर रहा यार। ठीक है, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में लिख के बता देता हूँ राइटर का क्या नाम है। बनारस एक शहर का नाम है जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। अब सरमन मतलब क्या होता है? सरमन मतलब प्रवचन होता है। प्रवचन समझते हो ना? जो कोई भी तुम्हें कुछ चीज़ सिखा रहा है, जिंदगी जीने के लिए बता रहा है, तो तुम बोल सकते हो कि वो तुम्हें प्रवचन दे रहा है। मुझे पता है कि तुम में से बहुत से लोग बनारस के होगे, जरा नाम बताना तो अपना अपना। देखना चाहता हूँ कितने लोग बनारस के हो, कभी घूमने जाऊँगा तो भेंट भी कर लूँगा। शायद तुम्हें एक बात पता होगा कि गौतम बुद्ध पहले से साधु संत नहीं थे, वो तो पहले राजा के घर जन्म लिए थे, राजकुमार थे, नाम था सिद्धार्थ गौतम। इसका जन्म हुआ था 563 BC में और मृत्यु हो गया 483 BC में। ये AC और BC नहीं, AD और BC का झंझट में तुम्हें टी फ्रॉम आसाम वाला चैप्टर में समझाया था, नहीं देखे हो तो देख लेना, बहुत मस्त है। अभी मैं कुछ देर पहले तुम्हें बताया था कि गौतम बुद्ध पहले से ही संत महात्मा नहीं थे, वो बाद में संत बने थे, पहले तो वो एक राजा के घर जन्म लिए थे। तो गौतम बुद्ध का जन्म जब एक राजा के घर हुआ ना, तो वो राजा एक ज्योतिषी के पास गया और फिर बोला कि ये बच्चा का भविष्य देखिए तो महाराज। तो वो ज्योतिषी बोला कि ये बच्चा तो भविष्य में एक बहुत बड़ा संत बनेगा। उसका बाप तो घबरा गया कि यार ये संत बन जाएगा, ये तो राजपाट संभालने के लिए मैं इसको पैदा किया हूँ, ये संत बन जाएगा। वो दिमाग लगाया कि आदमी संत कब बनता है, जब वो दुनिया के दुखों को देखता है और उन सारे दुख का हल निकालने के लिए चला जाता है, तब वो संत बन जाता है। एक काम करते हैं, गौतम बुद्ध को दुनिया का दुख से परिचय ही नहीं कराएंगे, इसको दुनिया का दुख को देखने ही नहीं देंगे, तब ये संत बनेगा ही नहीं। भयानक फंडा लगाया यार, इसी प्रकार से फंडा लगाना तुमको जो भी प्रॉब्लम में। गौतम बुद्ध बचपन से राजमहल में ही रहे थे, 12 साल हो गया था उसके बाद उनको पढ़ाई लिखाई के लिए हिंदू सेक्रेट स्क्रिप्चर में भेजा गया। यार पहले ना स्कूल सब जाने का झंझट नहीं था, बस एक गुरुदेव होते थे, उनके आश्रम में जाना होता था, वहीं सब चीज़ सिखा दिया जाता था। 4 साल वहाँ सीखने के बाद उनको शादी कर दिया गया। बताओ उनका बेटा भी हो गया। गौतम बुद्ध अब बाप बन चुका था। अब गौतम बुद्ध के पापा अब सोचने लगे कि अब इसका तो घर परिवार हो गया, अब ये कुछ साधु उधु बनेगा नहीं, इसको मैंने तो फंसा दिया। थोड़ा मोड़ा उसको अब छूट देने लगे, चलो तुम बाहर थोड़ा मोड़ा घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब गौतम बुद्ध बाहर एक दिन शिकार करने के लिए गया, उस समय उसका उम्र था 25 साल। उस समय उनको दुख क्या होता है वो पता नहीं था। भैया एक गरीब आदमी जब जन्म नहीं लेवल रहता है ना, उसी समय जान जाता है कि दुख क्या होता है। बताओ 25 साल तक ये दुख का मतलब नहीं जाना था। चलो क्या होता है देखते हैं इनके लाइफ में। अच्छा जब वो शिकार करने के लिए जा रहे थे, उस समय रास्ता में एक बीमार आदमी को देखे, तब फिर उन्होंने मंत्री से पूछा कि ये क्या है, इसको क्या हो गया। तो फिर मंत्री बताया कि ये बीमार आदमी है। फिर वो पूछा कि ये हमको भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, बीमारी तो किसी को भी ना हो सकता है। उसके बाद एक बूढ़ा आदमी को देखा, उसका चेहरा में झुर्रियाँ हो गए थे, बाल सफ़ेद हो गया था। फिर गौतम बुद्ध मंत्री से पूछा कि ये कौन है, वो बताया ये बूढ़ा आदमी है, इसका बाल सफ़ेद काहे हो गया है। अरे यार ये बूढ़ा गया तो बाल सफ़ेद होगा ही ना, सब बताया इस, फिर हम भी बुढ़ाएंगे। हाँ तुम भी बुढ़ाओगे, हर आदमी को एक दिन बुढ़ाना है। उसके बाद थोड़ा दूर बाद कुछ लोग डेड बॉडीज को दफना करने के लिए ले जा रहे थे, तो गौतम बुद्ध ने उसको देखा और पूछा कि ये क्या है, इसको क्या होगा, इसको सूतल है, इसको 4 जन बोह के ले रहा है। फिर उसका मंत्री बोलता है कि ये मर गया है, इसको दफनाने के लिए लेवल जा रहा है, हम भी मरेंगे। हाँ तुम भी मरोगे, हम भी मरेंगे, सब भी मरेगा। अब गौतम बुद्ध का तो दिमाग चकरा गया, हमको भी लोग एक दिन इसने दफनाने के लिए ले जाएगा। उसके बाद थोड़ा दूर जाने के बाद एगो साधु को गौतम बुद्ध ने देखा, वो भीख मांग रहा था, पूछा कि कटोरा धर के क्या कर रहा है, इसका घर द्वार नहीं है का। फिर उसका मंत्री बताया कि साधु है, साधु बन गया है, ये ऐसा ऐसा सवाल कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसको शिकार करने जाना ही नहीं देना चाहिए था।
पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, अब ये क्या करेगा देखते हैं। इसका दिमाग चकरा गया और फिर ये भाग गया और साधु बन गया। बोला कि एक ना एक दिन तो हमको मरना ही है, मरने से पहले दुनिया का दुख का कुछ सॉल्यूशन निकाल के जाते हैं। फिर वो भाग गए और फिर 7 साल तक यहाँ वहाँ भटके। भटकना मतलब ऐसा ही पहाड़ पर्वत मरुस्थल में अंदाजे घूमना, ऐसा थोड़े ना होता है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इधर उधर जाके ज्ञान अर्जित कर रहे थे, दुनिया का असलियत को पता करना चाहते थे, दुनिया में जितना भी लोग दुखी हैं उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहते थे। इसके लिए वो यहाँ वहाँ घूम रहे थे। अब तुम भी पढ़ाई करना चाहते हो तो फिर घरे जगह रह के थोड़े ना पढ़ाई होगा, कहीं तुम दिल्ली जाना होगा, बेंगलोर जाना होगा, तो भटक ही ना रहे हो। ऐसा ही ये भटक रहे थे। 7 साल तक भटकने के बाद लास्ट में एक पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए और ध्यान करने लगे। टोटल 7 दिन लगातार ध्यान किए, बिना खाए बिना पिए बिना कुछ किए लगातार 7 दिन ध्यान किए और फिर उनको ज्ञान हो गया दुनिया क्या है, दुख से कैसे बचा जाए, ये सब मृत्यु से कैसे बचा जाए, ये सब जितना भी प्रॉब्लम इन्होंने अपने ज़िंदगी में देखा था सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसको मिल गया। जिस पीपल पेड़ के नीचे इनको ज्ञान मिला उस पीपल पेड़ का नाम रख दिया गया बोधि पेड़। कुछ लोग इसको बो पेड़ भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है ट्री ऑफ विजडम, बुद्धि का पेड़, बुद्धि का वृक्ष, ज्ञान कराने वाला वृक्ष। अब ये सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध बन चुके थे। बुद्ध, बुद्ध मतलब द इनलाइटेंड, इनलाइटेंड मतलब जिनको ज्ञान हो गया है उसको बुद्ध बोलते हैं। ज्ञान मतलब दुनिया के सच्चाई का ज्ञान, ज्ञान मतलब हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री वाला ज्ञान नहीं। अब ज्ञान हुआ है उसको अपने अंदर तक सीमित थोड़े ना रखना है, दुनिया को बताना है, दुनिया को सुख देना है। तो अपना ज्ञान का सबसे पहला प्रवचन बनारस शहर में दिए। सबको पता है कि गंगा नदी सबसे पवित्र नदी है, लेकिन यार गंगा नदी और बनारस के किनारे ये हो जाए ना तो इसका बात ही अलग है। अगर तुम बनारस के किनारे से गंगा नदी में डुबकी लगाते हो तो इसका महिमा अलग है। अगर तुम बनारस शहर में डुबकी लगाते हो ना तो ये ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तो यहीं पर इन्होंने अपना सबसे पहला प्रवचन दिया। उसके बाद ये इधर उधर जाके पूरा सबको समझाने लगे कि ये होता है, ये होता है, ऐसा होता है। हम लोग को भी बताए हैं इस चैप्टर में, थोड़ा मोड़ा खाली बताल है, पूरा जानना है तो तुम्हें वो किताब पढ़ना होगा या फिर YouTube में वीडियो भी देख सकते हो। इसके बाद तुम्हारे किताब में एक कहानी है, ईसा गौतमी का कहानी। पता नहीं ये किसके ससुराल की महिला है, लेकिन कोई भी है, कहानी में है ना बस। तो इसका एक लड़का था, वो एक अकेला लड़का था, कुछ कारण से ये मर गया। ईसा गौतमी का तो पसीना छूट गया, पगला गई, वो इधर उधर घूमने लगी कि मेरा बेटा को क्या हो गया, इसके लिए कुछ दवाई दे दो, इसको जिंदा कर दो, कहके सबके पास जाने लगी। अब भैया मरल आदमी को कितना दवाई पियाओगे, वो थोड़े जिंदा होगा। लोग सोचने लगे कि ये पागल हो गई है, क्योंकि यार किसी का एक एक बेटा है और वो मर जाए तो आदमी ऐसा ही होता है, कोई भी ऐसा होगा। तो सब आदमी तो बोल रहे थे कि ये पागल हो गया है, पागल हो गई है। लेकिन एक आदमी उसको मिला, वो बोला कि मैं तुम्हारे बेटे के लिए दवाई तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ ऐसा आदमी बता सकता हूँ, ऐसा डॉक्टर बता सकता हूँ जो कि तुम्हारे बेटे को जिंदा कर सकता है। वो कौन है? दि सक्य मुनि गौतम बुद्ध। बुद्ध के पास चले जाओ, वो तुम्हारे लिए दवाई दे देंगे। ये दौड़े दौड़े बुद्ध के पास गई और बोली, हे प्रभु दया करो, मेरे ऊपर दया करो, मेरे बच्चे को बचा लो, इनको क्या हो गया है, इसके लिए कुछ दवाई दे दो। फिर बुद्ध बोले, अरे टेंशन काहे लेती है, फट से तुम्हारा बेटा भी उठ जाएगा, तुरते उसको जिंदा कर दूंगा, छोटा सा चीज चाहिए बस, थोड़ा सा सरसों का बीज ले आओ, बस थोड़ा सा सरसों का बीज ले आओ। फिर वो बोलती है, पक्का? अरे 100% गारंटी देता हूँ। वो तो बहुत खुश हो गई, लेकिन हाँ एक शर्त है, वैसा घर से लाना जिसके घर ना कोई पिता मरा हो, ना कोई माता मरा हो, ना कोई बच्चा मरा हो, ना उसके परिवार का कोई सदस्य मरा हो, ऐसा घर से लाना जिसके घर कोई नहीं मरा हो। अब इसके बाद का कहानी तो हम लोग देखेंगे कल। मिलते हैं नेक्स्ट।